पीएम मोदी ने दी देश को अटल टनल की सौगात, कहा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी नई ताकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर भी रहे मौजूद। हाथरस कांड पर चला योगी सरकार का हंटर, एसपी डीएसपी इंस्पेक्टर सहित कई पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। आरोपियों और पुलिस टीम के साथ पीड़ित परिवार का भी होगा नार्को टेस्ट। हाथरस में मीडिया के सामने पीड़ित परिवार ने की इंसाफ की मांग, कहा पुलिस प्रशासन पर नहीं भरोसा, नार्को टेस्ट कराने से किया इनकार, कई आला अधिकारी पहुंचे हाथरस। हाथरस मामला तूल पकड़ता जा रहा है, एक ओर इस मामले को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल भी अब योगी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में हाथरस की घटना को लेकर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। सामना में कहा गया कि यूपी में राम राज्य नहीं जंगल राज है। सामना में यूपी में हुए दलित लड़की से कथित तौर पर बलात्कार और उसकी मौत की घटना की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी आज फिर हाथरस जाएंगे। कांग्रेस के दोनों नेता पीड़िता के परिवार से मुलाकात करेंगे। इससे पूर्व 1 अक्टूबर को राहुल प्रियंका ने हाथरस जाने की कोशिश की थी। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने हाथरस मामले को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जातिवादी हैं, इसलिए न्याय नहीं हो रहा है। सुशांत केस में फॉरेंसिक रिपोर्ट में मर्डर की थ्योरी खारिज, सुसाइड की बात पर मुहर। एम्स मेडिकल कॉलेज ने सोमवार को सीबीआई के साथ अपनी जांच रिपोर्ट शेयर की। राजस्थान में दुष्कर्म की घटनाओं पर केंद्र का दखल, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य जयपुर में, महिला आयोग की अध्यक्ष के खाली पद पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल जब गैंगरेप पीड़िता की रिपोर्ट पुलिस ने नहीं लिखी तो पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी का पलटवार, कहा राहुल का हाथरस दौरा सियासी, एसआईटी की रिपोर्ट मिलते ही अधिकारियों पर हुई कार्रवाई। बिहार में एनडीए से अलग हो सकती है एलजेपी, 143 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान संभव, पार्टी रविवार को कर सकती है इसका ऐलान। राजस्थान में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 1028 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी, मतदान के बाद होगी मतगणना। दौसा के पीपल की मतदान केंद्र पर उड़ी नियमों की धज्जियां। कोरोना के खिलाफ अब गांधीगिरी, गहलोत सरकार ने शुरू किया कोरोना जागरूकता जन आंदोलन, राज्य सरकार पूरे प्रदेश में बांटेगी करीब 1 करोड़ मास्क। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और सरकार के मंत्रियों ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड, 21 महीने में 501 में से 252 वादे पूरे किए सरकार ने। तबियत नासाज होने के चलते मुख्यमंत्री ने नहीं की कार्यक्रम में शिरकत। संघ प्रमुख मोहन भागवत जयपुर प्रवास पर, आज और कल प्रस्तावित बैठकों में करेंगे शिरकत, भागवत कार्यकर्ताओं से भी छोटे समूह से करेंगे अनौपचारिक बातचीत। फतेहपुर पुलिस ने गुजरात से बरामद किए 12 लाख नकद और 17 लाख का सोना, ब्लैकमेलिंग गिरोहों की तलाश में गुजरात गई थी पुलिस। बूंदी में दो ट्रेलर में भिड़ंत के बाद एक ट्रेलर में लगी आग, हादसे में एक व्यक्ति की जलने से हो गई मौत, सूचना पर MH 52 रामगंज बालाजी की घटना है, पुलिस पहुंची। बूंदी जिले के लाखेरी इंदिरागढ़ क्षेत्र के नाड़ी भावपुरा में अनियंत्रित हुआ ट्रक के कुचलने से 40-50 भेड़ों की हुई मौत। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ के अगले सप्ताह के रोस्टर में बदलाव, 5 से 9 अक्टूबर के लिए किया बेंचों का गठन। अभिनेत्री पायल घोष का कहना कि अनुराग कश्यप ने यौन उत्पीड़न के आरोप पर अपना बयान देते हुए पुलिस के सामने झूठ बोला, पायल उनका लाई डिटेक्टर, पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को एनालिसिस करना चाहती है। अगर आपने कोरोना काल में लोन मोरेटोरियम की सुविधा का लाभ लिया है तो आपके लिए ये खबर है, बैंक लोन मोरेटोरियम पर अगले वाले चार्ज की वसूली नहीं करेंगे। आईपीएल में धोनी की टीम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल में भर्ती किया गया है।
किसी जगह पर हवा में कोरोना वायरस मौजूद है या नहीं, आने वाले दिनों में ये पता लगाना आसान होगा।